राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, जितना काम होता है सुबह ही होता है, इतना काम शाम के नहीं होता जितना काम सुबह होता है। तो यहाँ मेरी लग रही है झाड़ू। और मैं काम ना काफ़ी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि सारा काम निपटा के ना आज मुझे वैभव की यानी गोलू की स्कूल में जाना है। पेरेंट्स मीटिंग है आज, इनके टेस्ट जो पूरे ख़त्म हो चुके हैं तो आज पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए मैंने भी लीव ली हुई है क्योंकि जाना है। तो यहाँ जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। झाड़ू पूरे घर में लग चुकी है, बस चाय नाश्ता के सबके बर्तन हुए हैं तो वही बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी पूरे घर में पोछा भी लगाना है। तो यहाँ कर रही हूँ बर्तन साफ। और झाड़ू लगने के बाद मैं अब लगा रही हूँ पोछा। और जब भी जल्दबाजी होती मैं इसी से पोछा लगाती हूँ। इससे क्या है ना कि एक तो बहुत जल्दी क्लीन भी हो जाता है, बहुत साफ़ हो जाता है और फास्ट भी होता है। तो बस यहाँ वाटर स्प्रे करती जा रही हूँ, साफ़ करती जा रही हूँ इसी अगारो के स्पिन मॉप से। और फ्रेंड्स, अब आई हूँ कपड़े लेके, ऊपर कपड़े डालने हैं तो यहाँ डाल दिए मैंने कपड़े। और यहाँ देखिए मेरे फूल जो है ना तीनों कलर में खिले हुए हैं, वाइट भी है, येलो भी है और ये वाला पिंक भी है। बहुत सुंदर लग रहे कॉम्बिनेशन, ये देखिए तीनों तरीके के फूल खिले हैं। और एक मैं रेड भी लेके आई हुई थी लेकिन रेड में भी फूल नहीं खिले, उसका भी फूल बहुत सुंदर लगता है। तो कितना सुंदर जी। हाँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, गोलू भी रेडी हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं गोलू के स्कूल में, आज है उनकी पेरेंट्स मीटिंग, टेस्ट ख़त्म हो गए हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट में करके आए हैं। तो चलिए चलते हैं। तैयार हो गए बोलो? ये तैयार हो गए हैं, चलो विदाउट ड्रेस। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, निकल रहे हैं हम लोग, मैं और वो गोलू ही जा रहे हैं। और ये सारे पर्दे खोलने में लगे हैं, बोल रहे थे पर्दे खोल के रखेंगे तो शाम के धुल जाएंगे, क्योंकि धूप भी तो अच्छी नहीं हो रही, दो तीन दिन तो चाहिए धुलने के लिए। और यह हम दोनों लोग निकल आए हैं रिक्शे से ही, बोलते हम छोड़ देंगे उनका, हम आराम से चले जाएंगे, आप नहाओ दो, क्योंकि उन्हें नहाए भी नहीं थे। तो हम दोनों लोग निकल आए हैं। और चाहते तो हम इनके साथ में भी आ जाए लेकिन ये नहाए धोए भी नहीं थे, टाइम और लगता और भी लेट होते जाते, जो टाइम दिया हुआ था 10 बजे का और भी लेट हो जाते। तो हम कहा ठीक है अब आराम से आते रहना, हम लोग तो जा रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं स्कूल में और एंटर कर रहे हैं। और बस सब लोग पहुंच चुके हैं स्कूल में और काफ़ी पेरेंट्स आते भी जा रहे हैं, जो टाइम दिया उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं इनका रिज़ल्ट।
और सारी टीचर्स ना क्लास बाय अलग अलग बैठी हुई सारी टेस्ट कॉपियां लेके दिखाने के लिए, तो यहाँ पेरेंट्स देख रहे थे। हमने कहा ये मतलब नंबर बाय नंबर जो जैसे आ रहा था वैसे ही देखते जा रहे थे, और सारे अलग अलग क्लास में बैठे हुए हैं, हर अलग अलग क्लास के टीचर। तो यहाँ मैं भी बैठी हुई थी, मैंने कहा एक एक करके देखते चले, फिर मैं भी देखती हूँ आखिरकार हमारे वैभव ने किया क्या है। और बहुत खुशी भी होती है देख के, ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ें जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं वो चीज़ भी समझ में आती, ताकि हम अगली बार से उसको सुधार कर सकें। और मैं देख के आ गई हूँ, इसके बाद में यहाँ मैं मुझे प्रिंसिपल मैम से करनी थी बात, तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई हूँ। और बस निकलते हैं, गोलू को लगी भी है भूख, क्योंकि इसने कुछ खाया भी नहीं था, सुबह नाश्ता बना दिया तब भी नहीं खाया था, आज इतनी खुशी थी इसको मतलब रिजल्ट देखने की। और हम लोग अब रिटर्न हो रहे हैं पापड़, और इसका एक चीज़ समझ में आई है कि देखा इसने याद जो किया है बहुत अच्छे से याद किया, लिखा भी है, लेकिन मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है, केवल स्पेलिंग में छोटी छोटी, वही मैं बोलती थी कि छोटी छोटी स्पेलिंग का ध्यान दिया करो। और वही मैं गुल्लू को सारी चीज़ समझा रही थी, मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ना वैसे भी आवाज़ साफ़ नहीं आती, क्लियर नहीं आ रही थी आवाज़, तो यहाँ हमारी माँ बेटी की चल रही थी बातें। घर पे चलो चीज़ समझ में तो आई, इसका फर्स्ट टेस्ट था, बहुत सारी चीज़ क्लियर हुई कि मिस्टेक कहाँ होती है, यही चीज़ है ना, थोड़ी थोड़ी हमें भी पता होना चाहिए कि बच्चा मिस्टेक करता कहाँ पे, तभी हम सुधार कर पाएंगे, जैसा किसने जो चीज़ मैं इसे याद करवा के भेजती थी। और काफ़ी अच्छा किया, देखो माला अपने आप भी डाल ली, काफ़ी अच्छा किया है, अब इतना किया है आगे और करेगा, ज़्यादा फोर्स वैसे भी बच्चों में नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया। 17-18 इस तरीके से मार्क्स आए हैं, थोड़ा हिंदी में वीक हो गया है, कोई बात नहीं, हिंदी में कवर कर लेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, 16, 17, 18 इस तरीके से नंबर आए हैं सारे में। और वहीं कहीं ना कहीं, अच्छा मैं बैठ गई तो मैं छोटी लग रही, लंबा लग रहा है तो वो, और ये ना रात में उठ के बैठ जाता था, जब इसके टेस्ट चल रहे थे ना 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे ऐसे उठ जाता था, मैं ऐसे बोलती थी कि इतना टेंस नाइट होके मत पढ़ा करो, इतना ओवरलोड मत लो, आराम से करो। तो बहुत अच्छा किया है मेरे हिसाब से, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, और जो भी इनकी मैम है वो भी बहुत बच्चों को कॉपरेट कर करती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से जहाँ इनकी मिस्टेक होती समझाती हैं। तो बस चलिए मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, आज मैंने लीव ली हुई थी इसी वजह से, क्योंकि इसकी पेरेंट्स मीटिंग मुझे जाना था, अब जाके फ्री हुई, कपड़े चेंज करती हूँ, खाना बना लूँ। बिंदी देखिए मेरी उल्टी हो गई है, मैं ऑयल लगा तो सही स्किन, क्या हो गया? कुछ नहीं, ऑयल बोल रहा है, ऑयल लगाने से स्किन ऑयली हो जाती है, तो ऑयल नहीं लगाओगे तो ख़राब नहीं हो जाएगी? बच्चों का भी अभी से भी शौक हो जाए। हाँ कैसे कह रहा हूँ, और सुबह नाश्ता भर हुआ था, खाना तो बना नहीं, तो लौट के आके मैंने खाना बनाने, ये बोल रहे लाओ मैं सब्जी काट देता हूँ तब तक और काम कर लो, तो यहाँ ये काट रहे थे लौकी, तब तक मैंने अंदर हरी मिर्च टमाटर ये सब काट लिया, क्योंकि लौकी की सब्जी बनने वाली है, तो ये होता ना कि थोड़ी हेल्प हो जाती है तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता, क्योंकि खाने के लिए फिर टाइम भी, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा टाइम लग गया आते आते, तो खाना तो थोड़ा लेट हो ही गया, लेकिन बच्चों को नाश्ता से होगा क्या, खाना तो लंच तो चाहिए, तो बस अब बन रही है मेरी सब्जी। और फ्रेंड्स अब बज रहे हैं रात के 8, तो यहाँ ये रोटी रखी हुई थी, अब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया गौरी की रोटी के लिए, और मुझे अब देखा तो मैंने कहा अरे रोटी तो रहेगी तो ये खिलानी चाहिए, और मुझे डर लगता है कि ऊपर को ना चढ़ाए कहीं रपट के गिर ना जाए, और लेकिन मुझे नीचे उतरने नहीं दे रही थी कि मैं नीचे उतर जाऊँ, इसको नीचे खिला दूँ ये ऊपर ना आए, क्योंकि फिसलने का डर लगता है, लेकिन ये मुझे चढ़ने उतरने नहीं दे रही थी। और खाना वगैरह बन चुका है, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ अचार नींबू मिर्च का, मतलब तुरंत काटा है, तुरंत डालने के लिए ही रख दिया, ये ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन खाने के लिए हाल फिलहाल अच्छा रहता, थोड़ा थोड़ा डाल के खाते जाइए, मौसमी अचार अच्छा भी लगता है, इसमें हरी मिर्च काफ़ी अच्छी लगती है, मम्मी यही अचार डाला करती थी हम लोग जब स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, और बहुत ही टेस्टी अचार लगता था, जो वैसे आम वगैरह का रखती थी वो नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जबकि ये अचार ज़्यादा ही अच्छा लगता था,
लेकिन मैंने मसाला तैयार नहीं किया। मैं बताऊँ, मैंने पैकेट वाला मसाला मंगाया हुआ था। मैंने कहा टाइम कम है, कौन तैयार करेगा, वो भी मसाला बहुत अच्छा आता है कोई गोल्डी का, तो मैंने वही मसाला डाला हुआ है। बोलते ना सारी चीज़ अपनी माँ से ही सीखते हैं, और कोई नहीं सिखा सकता हमें। तो बस ये अचार करके रख दूँगी, बच्चों के लिए भी हो जाएगा और मुझे तो काफ़ी पसंद है। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा थोड़ा सा अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं हुआ तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो। मिलती नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।